आज देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। लोकतंत्र की हत्या का दिन बन गया आज का दिन। चुनाव आयोग की एक हरकत की वजह से आज का दिन लोकतंत्र की हत्या का दिन बन गया। आज देश में पहली बार हुआ है, आज़ाद देश के इतिहास में आज पहली बार हुआ है कि देश का चुनाव आयोग वो संस्था जिसके कंधों पर संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने जिम्मेदारी डाली है कि वो समय पे चुनाव कराएंगे, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएंगे, वो चुनाव आयोग आज केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी से डर गया और उसने एक पूर्व घोषित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद चुनाव की तारीख ऐलान करने से मना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आज चुनाव आयोग ने देश में चुनाव कराने से मना कर दिया है। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए, सत्ता में बैठी हुई पार्टी के दबाव में अगर चुनाव आयोग चुनाव करवाने से मना कर दे तो फिर लोकतंत्र बचेगा क्या और संविधान बचेगा क्या? आज वही घटा है इस देश में। आज चुनाव आयोग ने आप सबको बुलाया था, पूरे मीडिया को बुलाया था कि 5 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली नगर निगम के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन उसके पहले केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग पर दबाव डाला और उसके बाद चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके तारीखें ऐलान करने से अपने आप को रोक लिया, चुनाव करवाने से अपने आप को रोक लिया, चुनाव टाल दिया। ये बहुत खतरनाक है। अगर देश का चुनाव आयोग राज्य सरकारों के सामने, केंद्र सरकारों के सामने इस तरह से झुकने लगेगा, इस तरह से घुटने टेक देगा, तो फिर चुनाव क्या बचेगा क्या? चुनाव का मतलब क्या बच गया? लोकतंत्र का मतलब क्या बच गया? हम सब जानते हैं कि दिल्ली में पिछले 15-17 साल में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार की इंतहा कर रखी है। त्राही त्राही मची हुई है दिल्ली में बीजेपी के भ्रष्टाचार की वजह से। एमसीडी में, दिल्ली में जितना बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया है, हर आदमी दुखी है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छे से जानती है। अब जब चुनाव सर पे हैं, चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने वाला था, तो बीजेपी उससे घबरा गई। उसको पता है कि इस बार बीजेपी के भी सर्वेज में, उनको पता है कि इस बार आम आदमी पार्टी की 272 में से 250 सीटें आने वाली हैं। जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में 70 में से 67 सीटें दी एक बार और 70 में से 62 सीटें दी अरविंद केजरीवाल को दोबारा, तो आज पूरी दिल्ली में लोगों को लग रहा है कि एमसीडी में भी उन्हें केजरीवाल ही चाहिए। और दिल्ली के दिल में जब आया कि एमसीडी में केजरीवाल, तो बीजेपी चुनाव से भाग गई। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई कि 15-20 सीटों पर समेट देगी दिल्ली की जनता इतने भ्रष्टाचार की वजह से, तो उसने चुनाव आयोग को झुका के आज दबाव डाला और तारीखें टलवा दी, चुनाव आयोग से चुनाव का ऐलान टलवा दिया। आज भाग गई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में आज हिम्मत नहीं है कि दिल्ली की जनता का सामना कर सके। भारतीय जनता पार्टी में आज हिम्मत नहीं है कि समय पर चुनावों का सामना कर सके। बहाना ले रहे हैं यूनिफिकेशन का। यूनिफिकेशन से क्या होगा? यूनिफिकेशन से इतना ही तो होगा कि अभी 272 पार्षद अलग अलग जगह से अपने अपने वार्ड से चुने जाते हैं और 3 अलग अलग कमरों में बैठते हैं। यूनिफिकेशन होगा तो तीनों एक कमरे में बैठने लगेंगे, एक ही हॉल में बैठने लगेंगे। यूनिफिकेशन का यही तो है, तो यूनिफिकेशन करवाते रहना। लेकिन चुनाव क्यों टाल रहे हो? चुनाव से क्यों भाग रहे हो? चुनाव से क्यों घबरा रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी की 250 सीटें आ रही हैं और आपकी 15-20 सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है जीरो कर दे जनता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुकर्म तो दिल्ली की जनता जानती है और भारतीय जनता पार्टी अपने कुकर्मों की वजह से हार के डर से घबराई है, हम समझते हैं। चुनाव आयोग बीजेपी से क्यों घबरा गया? चुनाव आयोग केंद्र सरकार के झुकाव में क्यों आ गया? देश के संविधान ने चुनाव आयोग को जिम्मेदारी दी है और पूरी पावर्स दी हैं कि वो किसी भी सरकार के आगे झुकेगा नहीं, निष्पक्ष चुनाव कराएगा, समय पर चुनाव कराएगा। लेकिन जिस तरह से आज चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं, उससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। कल को भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार चाहेगी तो वो राज्यों के चुनाव नहीं करवाएंगे। किसी भी राज्य में अगर कल को भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि वो हारने वाले हैं, तो वो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक के वहां के इलेक्शन कैंसिल करा देगा। कल को मोदी जी को लगेगा कि वो देश का चुनाव हारने वाले हैं, तो केंद्र सरकार के इलेक्शन कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर इलेक्शन कैंसिल करना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के, चुनी हुई सरकारों के दायरे में आ गया, अगर इस तरह की परंपरा बना दी चुनाव आयोग ने, तो उसके बाद में लोकतंत्र में बचेगा क्या? बुलाई हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से आज नकारा गया, चुनाव आयोग ने अपने पूरे शेड्यूल को जिस तरह से टाला केंद्र सरकार के दबाव में,
देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की इस तरह से हत्या ना करे, चुनाव आयोग अपने दायित्व को समझे। संविधान ने, बाबा साहब ने, देश की उम्मीदों ने, आज़ादी के इतने सारे जान देने वाले लोगों ने आज़ाद देश कराया और फिर संविधान बना तो इसलिए ताकि संविधान के हिसाब से देश चलेगा, और संविधान ने चुनाव आयोग को ताकत दी तो इसलिए ताकि संविधान के हिसाब से चुनाव कराएगा। मैं चुनाव आयोग को भी कहना चाहता हूं कि संविधान के रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने निर्णय को, अपने कर्तव्य को ठीक से निभाएं। बीजेपी से भी कहना चाहता हूं कि अगर हार रहे हो तो अच्छे काम करो ना, लोगों के लिए ईमानदारी से काम करो ना, ये चुनाव आयोग के दरवाजे से, चुनाव से क्यों भाग रहे हो, डर के क्यों भाग रहे हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी अगर चुनाव हो तो 272 में से 250 सीटें आएंगी, और अगर बीजेपी इस तरह से चुनाव से भागी और भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा जो लोगों को आज समझ में आ गया है, इसके बाद तो हो सकता है 260 या 70 सीटें भी आ सकती हैं आम आदमी पार्टी की। थैंक यू। इसीलिए हमने कहा ना कि चुनाव आयोग को चाहिए कि संविधान में दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से चुनाव कराए। अगर चुनाव आयोग इस तरह से सरकारों के प्लान्स के हिसाब से झुकने लगे, उनके सामने अगर घुटने टेकने लगे, तो फिर संविधान और लोकतंत्र चुनाव का मतलब क्या रह जाएगा। मुझे लगता है नहीं, इंतजार तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भाग गई है तो जनता कर रही है कि कब बीजेपी को नगर निगम से लात मार के भगाए, जनता कर रही है कि कब नगर निगम में बीजेपी के करप्शन पे झाड़ू चलाए, और उसी से घबरा के बीजेपी भागी है। इसके ये एक अलग मसला है, यूनिफाइड का प्लान क्या है, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, कब आएगा, क्या ये लोग लेके आ रहे हैं, क्योंकि पिछले बार जब ट्रैफिक एक्शन हुआ था तो दिल्ली विधानसभा से हुआ था, जब तीन हिस्से किए गए थे दिल्ली विधानसभा से किए गए थे, तो कैसे किया जा रहा है ये अलग मसला है, इस पर जब कोई प्रस्ताव होगा तो उस पर एग्जाम करेंगे। लेकिन आज दिल्ली में नगर निगम की चुनी हुई बॉडी की समय सीमा खत्म हो रही है, चुनाव का ऐलान होना है, चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी है 5 बजे, और उसके पहले केंद्र सरकार डरा के धमका के सामदाम दंड भेद से चुनाव कैंसिल करा दे रही है। ये तो इस देश में आज तक नहीं हुआ आज़ादी के बाद से। कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं। देखिए हमें नहीं पता ना, ये तो हमको और आपको साथ में ही पता चला है, आप लोग भी चुनाव की तारीखें सुनने गए थे, आपको भी नहीं पता था कि आज एक झुका हुआ भारतीय जनता पार्टी के घुटने पर रेंगता हुआ चुनाव आयोग आपको देखने को मिलेगा, आपको भी नहीं पता था, आपको भी लग रहा था कि हो सकता है चुनाव आयोग आज चुनाव की तारीख बताएगा। नहीं, लेकिन तारीखों का ऐलान करने के बाद भी तो कर सकते थे, तारीखों का ऐलान क्यों टाला, ऐसी क्या मजबूरी आ गई चुनाव आयोग की। मैं फिर से आपके माध्यम से भी चुनाव आयोग को कहना चाहता हूं कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस देश में संविधान को बचाए रखने की, लोकतंत्र को बचाए रखने की। पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये चुनाव आयोग, ये संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस को खत्म ना करें, भारतीय जनता पार्टी के आगे इस तरह से ना झुकें। अपने कुकर्मों का उनको पता है, 15 साल से जितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया है उनको पता है कि इस बार